आज हम लोग एलियम सिपा मेडिसिन के बारे में जानेंगे। एक्यूट कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का होता है, तो इसमें लैरिंग्स भी आता है। तो ये लैरिंग्स के सिम्टम कब डेवलप होते हैं? ये डेवलप होते हैं जब नोज के सिम्टम्स अगर ठीक ना हुए और वो एक्सटेंड कर गए थ्रोट तक, तब लैरिंग्स के सिम्टम डेवलप होते हैं। और इसीलिए देखिए उसी सीक्वेंस में लिखा है, नोज के सिम्टम्स के बाद थ्रोट के सिम्टम्स डेवलप होते हैं, इन्फेक्शन ऊपर से नीचे की ओर जाता है, इसीलिए उसी सीक्वेंस में यहाँ मेंशन भी है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ ओरिजिनल फॉर्मेट की बुक पढ़ा करिए, वरना ये एक नोज में मिलेगा और दूसरा थ्रोट हेडिंग में मिलेगा और आप पूरी पिक्चर को नहीं समझ पाएंगे डिजीज के डायग्नोसिस के। लैरिंजाइटिस है तो ये दो ही तरीके से कन्फर्म हो सकता है, या तो साइन और सिम्टम के बेसिस पे या फिर स्कोपी के थ्रू। देखिए जो ईएनटी के डॉक्टर होते हैं वो जो उनकी स्कोपी होती है ब्रोंकोस्कोपी, उसको कैमरे दूरबीन की मदद से अंदर ले जाके देखते हैं। ये वही दिख रहा है किस तरह से देखते हैं, यहाँ पर रेडनेस देख सकते हैं चारों तरफ लैरिंग्स पे, और यहाँ पिक्चर ली गई है ये भी देख सकते हैं। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि जो हमारी सिम्टोमेटोलॉजी लिखी हुई है ड्रग पैथोजेनेसिस की, कई सारी मेडिसिन में इंटरनल ऑर्गन की लिखी हुई है जो हम आँखों से देख भी नहीं सकते। जब नहीं देख सकते तो फिर लिखा कैसे गया? क्योंकि जो हमारे स्टॉलवर्ड्स थे जिन्होंने ड्रग प्रूविंग की, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने ड्रग प्रूविंग की, वो कौन थे? एलोपैथिक डॉक्टर थे, एमबीबीएस डॉक्टर्स थे, वो स्कोपीज यूज करते थे। उनके समय में स्कोपीज था, ब्रोंकोस्कोपी, इंडोस्कोपी, ठीक है, जितने तरह की स्कोपी होती उस समय था, और उन्होंने इसको यूज किया। ड्रग प्रूविंग के समय भी उन्होंने थेरापेटिकली मेडिसिन देने के बाद, मेडिसिन देने के पहले भी इसको यूज किया, और तब उन्होंने ये मेंशन किया ये सारे सिम्टोमेटोलॉजी। इसलिए आपको कई जगह इस तरह के स्टमक के अंदर की, इंटेस्टाइन के अंदर की, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर की, इसोफेगस की, ये सारी चीज़ें लिखी मिलेंगी। यही वजह है कि हमारे होम्योपैथी में भी सुपर स्पेशलिटी की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये सब किया जा चुका है और हमें भी करना होगा अगर हमें मेडिकल स्ट्रीम में आगे बढ़ना है, मेन स्ट्रीम में आना है। तो इस चीज़ को आज तक दबाया गया, मेन चीज़ को कभी होम्योपैथ तक पहुंचने नहीं दिया गया ये सब चीज़ें, क्योंकि पता ही नहीं है बहुत ज़्यादा होम्योपैथ डॉक्टर्स को, क्योंकि वो इस तरह के एक्सपोजर में रहे नहीं, इस तरह का उन्होंने कभी भी मटेरिया मेडिका के साथ प्रैक्टिकली देखा नहीं। तो ये सबसे बड़ा डीमेरिट है। जो इसकी रिपर्टरी है वो डीमेरिट को ख़त्म करने के लिए ही पहली बार इस पर रिसर्च वर्क करके पब्लिश की गई है। इन सारी चीज़ों को वहाँ सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट में विद डायग्नोसिस शो किया गया है।